हॅलो सांगायची तळमळ आणि मनाला लागलेली आग कुठेतरी बुद्धीमध्ये किडे वळले तर ज्ञानी असं वाटतं कुठेतरी जाऊ जे घटक आहेत ते इथे संपूर्ण जे मान्यवर आहेत या मान्यवरांना मी जय हिंद करते आणि माझा परिचय सांगते. माझा परिचय असा आहे, मी रायगड जिल्ह्यातील कर्जत होते, तालुका कर्जत. नमस्कार सर, आज कर्णबधीर मुकबधीर कर्णबधीर के संगठन की तरफ से मोर्चा आयोजित किया है, तो क्या मांगे आपकी? उच्च शिक्षा भी उनको कर्णबधीर को मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए और से दूसरी बात जो रहता है सरकारी भर्ती भी कर दिया था जेंडर, वहाँ पे उनको सरकारी भर्ती भी आता है, सरकारी पास चाहिए, सरकारी पास चाहिए, बट जब हमें शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो हम काम कैसे करेंगे, और ये गवर्नमेंट समझ नहीं रही है. तो इसलिए हमने सभी एक बात के ऊपर चर्चा की, हमने गवर्नमेंट और सरकार को ये सारी हमारी डिमांड की है, बट वो हमारी मांगे मान ही नहीं रहे. इतने सालों से हाँ करेंगे करेंगे यही करते, तो अभी हमने ये भी बोला कि पेट्रोल पंप का जब एग्जाम होता है, जॉब नौकरी का एग्जाम होता है, तो उनकी परीक्षा को रोका जाए. दूसरे स्टेट में ये हो रहा है क्योंकि उनको वो शिक्षा मिली नहीं रही है, तो यही हमारी डिमांड है कि वो एग्जाम रोका जाए, हम बहुत चीजों का एक्सपीरियंस दे दिया जाए. तो ये अभी भी हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि सीएम नहीं है, जो डीसीएम भी यहाँ नहीं है, जो डीएम है वो भी नहीं है, किसी को हमसे किसी को हमसे बात नहीं करते. अगर वो नहीं आके हमारी मीटिंग नहीं दे रहे हमें, तो हम पूरे जाने वाले हैं चल करके. नमस्कार सर, आज कर्णबधीर मुकबधीर कर्णबधीर के संगठन की तरफ से मोर्चा आयोजित किया है, तो क्या मांगे आपकी? सबसे पहले तो ऐसा है कि जो कर्णबधीर है उनको बात है, उच्च शिक्षा है, उनको साइंस कॉमर्स कुछ उनको सिखाया जाए, उनको मतलब उच्च शिक्षा भी उनको कर्णबधीर को मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए और से दूसरी बात जो रहता है सरकारी भर्ती भी कर दिया था जेंडर, वहाँ पे उनको सरकारी भर्ती भी आता है, सरकारी पास चाहिए, सरकारी पास चाहिए, बट जब हमें शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो हम काम कैसे करेंगे, और ये गवर्नमेंट समझ नहीं रही है. तो इसलिए हमने सभी एक बात के ऊपर चर्चा की, हमने गवर्नमेंट और सरकार को ये सारी हमारी डिमांड की है, बट वो हमारी मांगे मान ही नहीं रहे. इतने सालों से हाँ करेंगे करेंगे करके यही करते, तो अभी हमने ये भी बोला कि पेट्रोल पंप का जब एग्जाम होता है, जॉब नौकरी का एग्जाम होता है, तो उनकी परीक्षा को रोका जाए. दूसरे स्टेट में ये हो रहा है क्योंकि उनको वो शिक्षा मिली नहीं रही है, तो यही हमारी डिमांड है कि वो एग्जाम रोका जाए, हम बहुत चीजों का एक्सपीरियंस दे दिया जाए. तो ये अभी भी हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि सीएम नहीं है, जो डीसीएम भी यहाँ नहीं है, जो डीएम है वो भी नहीं है, किसी को हमसे नहीं है, किसी को हमसे बात नहीं करते. अगर वो नहीं आके हमारी मीटिंग नहीं दे रहे हमें, तो हम पूरे जाने वाले हैं चल करके. तो नमस्कार ताई, आज ताई नहीं सर. ओके सर, आज मोर्चा आयोजित किया गया है, तो क्या मांगे हैं?
देखिए हमारी साथ डिमांड है, साथ मांगे है, एजुकेशन को लेकर के है, काम को लेकर है, उनको मतलब एजुकेशन दिया जाए, गर्भवती लोगों को उच्च शिक्षा दी जाए, 10वीं की 12वीं की, और उनको आगे की शिक्षा दी जाए, और उनको जॉब दिया जाए गवर्नमेंट जॉब में, उनको एक्चुअली जो गर्भवती है उनको प्राधान्य दिया जाए। अब लेकिन इतना हम लोग गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, डिमांड इतने सालों से यही बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट अभी तो मीटिंग में ये कह रहे हैं कि सीएम बीमार है, असिस्टेंट नहीं है और कोई अवेलेबल नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी होगा तो क्या सीएम अवेलेबल नहीं होंगे? अगर हम अभी यहाँ पे इतना आंदोलन कर रहे हैं, इतने सारे गर्भवती यहाँ धूप में खड़े हैं, तो हमारी ये कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अभी हम ये नहीं करेंगे, अगर वो यहाँ पे नहीं आ रहे हमारी मांगों को, नहीं हम जाएंगे चल करके, पूना जाने वाले।